इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोइंग होप्स। और आज मैं काफी दिनों बाद आमने सामने हुई हूँ। अभी मैंने वॉइस ओवर ही किया, एक दो वीडियो में सामने नहीं आई, बस ऐसे ही नहीं आ पाई कि वीडियो अब क्या बोलूं करके सोचा कि वॉइस ओवर करके डाल ही देते हैं। काफी दिन से पड़ा था क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और तबीयत तो इतनी भी खराब नहीं थी। मतलब ये होता ना, मन ठीक नहीं होता तो कई बार नहीं तुम्हारा दिल करता कि तुम आमने सामने होके बात करो। और ये तो मेरा पैशन है, मैं थोड़ा ये बना रही हूँ, मेरे को अच्छा लगता है वीडियोस थोड़ा बना के, और थोड़ी सी जो भी जितनी भी कुकिंग मैं जानती हूँ थोड़ा सा मैं बनाती हूँ, नई नई चीज ट्राई करती हूँ। कुछ बनाई भी है, दोबारा बना के दिखा रही हूँ, और कुछ ऐसी चीजें जो मैं और दूसरे यूट्यूबर से भी सीखती हूँ, किसी और अदर देन भी सीखती हूँ, तो वो भी ट्राई करती हूँ। तो इसी तरह से है, और ऐसे ही लाइफ चलनी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है, अगस्त शुरू हो गया, यानी रक्षाबंधन आ रहा है, परसों रक्षाबंधन है, और बस फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं फेस्टिवल्स। तो बहुत वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, मार्केट सारी सजी होती है, मतलब चाहे आप अपनी जिस सिटी में आप रहते हैं वहां जाइए, चाहे बाहर जाइए, एक अलग ही चहल पहल होती है। और सुख दुख तो कहते हैं ना, गाड़ी के दो पहिए हैं, सुख भी है दुख भी है, लेकिन यही होता है कि हमें हर कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। तो वहां हमें जैसे बताया है, जैसे सिखाया है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे हम अपने अपने घरों में देखते हुए आए हैं, करते हुए आए हैं, वो हम करते हैं। और यही चीज हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, थोड़ा अपनी संस्कृति को बनाए रखिए। हाँ, लेकिन ये संस्कृति की आड़ में आजकल लेना देना बहुत हो गया। इस तरह से ना, एक जो त्योहार है किसी किसी घर में तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप भी दीजिए, लेके जाइए, और अपनी श्रद्धा के अनुसार ही अपनी जो बहन बेटी है घर में, ननद है, जो भी है, इसका भी है। ये तो देखिए, किसी के लेने देने से तो कुछ इतना बनता है नहीं किसी का घर, लेकिन ये एक त्योहार है, त्योहार में अच्छे काम में हम याद करते हैं, है ना। बहनों का तो ये है, भाइयों के पास जाती हैं, या भाई आते हैं बहनों के पास, तो ये एक दिन बने कि इसी तरह से ये त्योहार है, एक दूसरे का हालचाल जानने और याद करने। और जैसे कहते हैं कि बहन भाई के हाथ में रक्षाबंधन का सूत्र बांधती है, अपनी रक्षा की वो मांगती है उससे कि मेरी भाई मेरी रक्षा करे जीवन भर। तो इस तरह से ये बने हुए हैं, ये त्योहार, हर चीज के पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं है। तो इसी तरह से पेरेंट्स भी किसी के बहुत देर तो साथ रहते नहीं, फिर नई पीढ़ी आती है, तुम्हारे ब्रदर होते हैं, भाभियां होती, तुम्हारे को उनसे इंटरेक्शन तुम्हारा थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता है, नेचुरली होना ही पड़ता है, क्योंकि जो सामने है, जो तुम्हारे लिए इतना करते हैं, जैसे पेरेंट्स करते आए, अब वो बेचारे एक टाइम आता है कि अब इतना नहीं बेचारे कर पाते, अब तुम्हारे लिए जो ज्यादा, मतलब फिर आगे बढ़ के फिर वो भाई भाभी, किसी की चाची, किसी की ताई, ये सब आगे बढ़ के जो दूसरे लोग करते हैं, फिर उनके साथ तुम्हारा वो हो जाता है आगे आगे कि तुम्हें कैसे उनके साथ करना है, ये तो ये खत्म तो होता नहीं, तो ये तो चलते रहेंगे त्योहार बार। तो जो बिल्कुल अपने नियर एंड डियर है, ब्लड रिलेशन में तो जाना ही पड़ता है और करते हैं, मगर मेरा ये है कि कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि मतलब एक बर्डन समझ के त्योहार को ना मनाया जाए, एक हंसी खुशी जो जिसमें तुम्हें भी अच्छा लगे, दूसरे को भी बर्डन ना लगे, तो इस तरह से मनाना चाहिए त्योहार, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। और त्योहार वैसे साल में एक ही बारी, जैसे दिवाली और ये रक्षाबंधन, तो उसमें अगर आप थोड़ा बहुत खर्च भी करते हैं, लेते देते भी हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर हाँ, किसी का देखा देखी और किसी को बर्डन करके देना भी और लेना भी, इट्स नॉट गुड, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। जो दे सकते हैं, कर सकते हैं और कैपेबल हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य, वो ठीक है, बट इवन देन, जो मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा अच्छे से, जिससे दोनों तरफ का अच्छे से निभ जाए, ऐसे शांति से प्यार से त्योहार को मनाना चाहिए। एनीवे, ये काफी सारी बातें होगी, और मैंने अभी पिछले व्लॉग में वो मठियां और वो नमक पारे आपको दिखाए थे बना के,
तभी मैंने सोच लिया था कि नेक्स्ट डे मेरा जो दो मेरे पास बनाना पड़े थे थोड़े राइप हो गए थे, तो वो मैंने देखा था इसको कैसे यूज किया जाए, तो मैंने पहले भी पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में क्यों ना मैं इनके मालपुए बनाऊ। मैदा, सूजी और दही डाल के मिक्स करके, चीनी डाल के, बहुत ईजी है। उसको अच्छे से घोल के थोड़ा रख लीजिए 15-20 मिनट, थोड़ी सूजी फूल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर घी गरम करके उसमें आप डाल दीजिए लेडल से। तो मैंने वीडियो बनाई है, आप देखिए कि मैंने कैसे बनाया, घर वालों को खिलाए, उनको तो बहुत अच्छे लगे। और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे बन जाएंगे, पर बहुत अच्छे बने। पर अपनी तारीफ अपने आप क्या करें, आप देखिए कैसे बने। वीडियो में काफी हद तक पता लग जाता कि कैसे बने होंगे और जैसे मैंने बनाया। तो इसको तुम स्टोर भी कर सकते हो मट्टियों को, जैसे काफी देर, इसको ज्यादा बहुत नहीं, एक आधा हफ्ते तक तो आराम से स्टोर कर लो, फ्रिज में बना के एयरटाइट डब्बे में रख लो, जब चाहिए माइक्रो में घुमाया, यू कैन ईट इट। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए मैं आपके साथ अब आप वीडियो आपको दिखाती हूँ, तो कैसे मैंने बनाया आप देखिए उसमें। और अपने कॉमेंट्स मुझे लिखिए, शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की, हेल्प की मुझे बहुत जरूरत है। हालांकि ये मेरे पैशन है, मुझे ये मेरा वो नहीं है कि मेरे को उसको अपना करियर बनाना है, जॉब बनाना है, बट मुझे अच्छा लगता है जो मैंने नया नया सीखा, जब मैंने देखा अरे यूट्यूब में तो ये सब होता है, तो मेरा भी दिल करा कि चलो जितना मेरे को आता है, जो कुकिंग मैं सीखती हूँ, जो मैं कर पाती हूँ। हालांकि मेरे तो बच्चे भी नहीं है, कोई मेरे पास सीनरी भी नहीं है। हाँ, गाँव में तो बहुत अच्छी सीनरी, मैं आप जब जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वो ब्लॉग बना के। बाकी मैं देखती हूँ जैसे हिमाचल की जो ब्लॉगर्स है हमारे, कितना अच्छा है, वहाँ अच्छे अच्छे दिखाते हैं सीन्स वगैरह, तो काफी लोग तो वैसे ही उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। अच्छी जगह का नेचुरली होता है, माउंटेन्स है, स्काई है, रेनी सीजन दिखा रहे हैं, भैंस दिखा रहे हैं, गाय दिखा रहे हैं, घर का सब कुछ दिखा, उनके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। हम तो शहर है, हम शहर में रहते हैं, हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है। और मेरे पास तो बेबी छोटे भी नहीं है, मेरी दो बेटियां हैं, एक बेटी तो मैरिड है और एक अनमैरिड है, वो बड़ी है, उसके अपना अपना नेचुरली सबका अपना स्टाइल होता है जाने का करने का, तो उसका मैं क्या शूट करके दिखाऊं। तो वो तो बड़ी भी होती, एकदम आएगी भी नहीं, बच्चे तो आते हैं बीच में, कितनी चुलबुली बातें करते हैं, तो व्लॉग अपने आप ही अच्छे बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। लेकिन मेरे पास सिवाय कुकिंग के थोड़ा मैं कुकिंग ही दिखा सकती हूँ, और मैं सफाइयां बहुत करती हूँ अपने हिसाब से जितना मैं कर सकती हूँ, तो लेकिन मैं दिखा इसलिए नहीं पाती क्योंकि मेरे को बहुत स्वेटिंग आती है, और जो मैंने गाउन पहना होता है उसमें तो मैं शूटिंग कर ही नहीं पाती, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, कैसे मैं दिखाऊं। बाकी घर में सारे काम होते हैं, सब काम, बहुत काम है। मैं कहती हूँ वो जो किचन की स्लैब है ना, जहां आप वीडियो बना रहे हो, उसी में उसको ही तुम 15 बार साफ करते हो और 15 बार उसका वो धोते हो, उसको जो उसका डस्टर है, और किचन टॉवल से भी कितना साफ करते हो, हर कुछ, सब कुछ है, सब कुछ होता है। लेकिन मैं बनाई नहीं है वीडियो, सिर्फ सफाई की कभी वीडियो नहीं बनाई। और मशीन में कपड़े धुलते हैं, कुछ मेरे हाथ से धुलते हैं अपने अंडरगारमेंट्स और दूसरी चीजें, तो वो मैं कभी कभी धोती हूँ हाथ से, बाकी तो फिर मशीन में धुलते हैं वो, उसका ज्यादा क्या मैं दिखाऊं। दिखाते हैं कई लोग, तो मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी क्या दिखाऊं। मैं तो मेन तो यही है कि ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं, स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स में, या फिर डिनर में क्या बना रहे हैं, मतलब मैं कुकिंग ही दिखा सकती हूँ। और जिसको कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो मैं उनसे तो उम्मीद ही रख सकती हूँ कि आप मेरे ये वीडियोस थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मेरी मिलती रहे। तो फिर वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। देखिए गाइस, राइप बनानास थे, और अब हम मैं उसका ये जो मैंने मैदा लिया है पहले 3-4 टेबलस्पून, इससे मैं मालपुए बनाने जाऊंगी। तो ये मैं 4.5 स्पून जो सर्विंग स्पून है वो मैंने मैदा ले लिया, और इसका आधा 1/4 जो है इसमें थोड़ा सूजी डालूंगी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कितना मीठा खाते हो, तो मैंने तो उसमें 4-5 स्पून भर के चीनी ले ली, और एक केले को मैश कर लिया था अच्छे से, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और इस तरह से मैं बनाना शुरू करूँगी इसको मालपुए को।
और आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सब चीज़ों को। तो पहले ड्राई चीज़ें ये सब मिक्स करिए, पहले चीनी सूजी मैदा जो जो मैंने बताया आपको, लगभग एक कटोरी मीडियम कटोरी जो होती है 200 ग्राम 250 ग्राम की, 200 ग्राम ही होगा ये, तो मैंने कम ही बनाया था और एक केला ले लिया था राइस, है ना। तो आप ये सब डालिए, इसको मिक्स कर देना। और मिक्स करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा दही भी डालेंगे, जैसे अभी मिक्स करा ना सूजी और उसको अभी ड्राई, और हम लिक्विड में जो है थोड़ा दही भी 2 स्पून या थोड़ा सा और ले सकते हैं अपने, और इसके साथ इसको मिलाएंगे। और केला भी जो मैंने साइड में रखा है उसको मैश करके उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसको सब चीज़ों को मिला के अच्छे से एक बढ़िया सा मिक्स कर देंगे धीरे धीरे। और अगर आपको ज़रूरत पड़े, नेचुरली ज़रूरत तो पड़ेगी, थोड़ा उसमें दूध हमें डालना पड़ेगा, तो आप लगभग आधा कप पानी, जैसे हम चाय पीते हैं तो आधा कप होता है ना उसका, उतना दूध उतना ही बहुत है, क्योंकि मैंने 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं लिया है, कम बनाया क्योंकि हम लोग शुगर पेशेंट है। जैसे मेरा दिल करा थोड़ा एक एक तो खा ही लें सबके लिए। ये तो देखिए मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ, उससे अच्छी फ्लेवर आ जाएगा, इसमें खुशबू आ जाएगी। इलायची पाउडर डाल दिया, पता नहीं मैंने शो किया या नहीं, मैंने शायद थोड़ा सा सौंफ भी डाला है, ये देखिए मेरा सौंफ, ये भी थोड़ा सा डाल दिया। और इन सबको मैं अच्छा सा एक मिक्स दे दूँगी, और थोड़ा मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसको बढ़िया सा एक मिक्स देके उसमें घुमा दूँगी मिक्सी में। मिक्सी में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना बढ़िया तरीके से, हाथ से इतना अच्छे से मिक्स नहीं होता, तो ये मैंने ट्राई किया जो बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। इसको हम मिक्सी में जरा 15-20 सेकेंड के लिए घुमा देंगे, ज़्यादा नहीं, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, इससे हमारे मालपुए बहुत अच्छे बनेंगे फूले फूले। ये देखिए गाइस मैंने थोड़ा दूध डाला है, मैंने बोला था आधा कप लिया है तो मैंने डाल ही दिया पूरा। अगर आपको लगे कि लिक्विड ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ही हो गया है, तो आप उसमें थोड़ा सा और मैदा या थोड़ा सूजी मिला दीजिएगा। तो ये बिल्कुल जैसे आप डोसा बना रहे हैं जैसे पीला बना रहे हैं, अच्छे बन जाएंगे। और बस मैंने ऐसे पढ़ा था एक बारी, YouTube में पढ़ा भी था और देखा भी था, उसके वीडियोस भी देखे थे कि किसी ने बनाया था, तो मुझे लगा एक दो बारी और देखने मिले, तो फिर मेरा बड़ा दिल करा कि चलो मैं इस बारी ट्राई करती हूँ। ये भी एक तरह की हमारी इंडियन स्वीट डिश है, हालांकि ये थोड़ा इसमें घी वगैरह या तेल का ज़्यादा वो होता है, तो थोड़ा हैवी साइड पे आता है, और लोग तो उसको बना के इसके ऊपर जो वो करते हैं, अभी मैंने तो नहीं की, लेकिन लोग रबड़ी की गार्निशिंग कर देते हैं इसके ऊपर। अब ये देखिए ये सारा मिक्स होके बैटर एक अच्छे से, देखा ये कैसी सेंसी चाहिए हमको इसको बनाने के लिए, मालपुए बनाने के लिए। तो हमने ये ऑयल गर्म कर दिया, देसी घी में भी बना सकते हैं और भी टेस्टी बनेंगे, और जिनको थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है वो ना, तो ये मीडियम लो फ्लेम में बनेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि फिर वो नीचे से जल जाएगा एक तरफ से और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये जैसा देखिए ना इसे हिला रहे तो हिल रहा है ज़्यादा, थोड़ा ये सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट बनता है, और इसकी यही खूबसूरती है, सॉफ्ट ही बनेगा, ये खाने में भी सॉफ्ट लगेगा, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिकना चाहिए अंदर से। तो बस इसी तरह से हमें ये बनाना है और बनाते रहना है, और दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे इसको हल्की आंच पे, बहुत तेज नहीं रखना उसको आंच को ना, एक बारी थोड़ा तेल गर्म हो जाए मीडियम लो फ्लेम पे, उसके बाद इसको लो फ्लेम पे ही इसको पकाते रहना है हमें। तो ये देखिए गाइस दोनों तरफ से ब्राउन हो गया अच्छे से, फर्स्ट क्लास।
तो अब हम इसको निकालने की तैयारी करेंगे और हम दूसरा मालपुआ बनाएंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हम अच्छे से पूरा कच्ची की सहायता से जितना यहाँ निकल जाए, बाकी हम पेपर टाल पे रख देंगे या न्यूज़पेपर पे, जैसा आपको लगे जो आपके घर में हो कि पेपर टाल पे रखा है। देखिए तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसमें आ जाएगा, आता ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा मालपुए का जो बैटर है वो थोड़ा उसमें दही भी है, चीनी भी है, वो थोड़ा ये सॉफ्टर साइड में ये चीज़ें बनती हैं, और तेल अंदर पीने का ज़्यादा ये रहता है इसके अंदर कि अंदर ना चला जाए। हालांकि गया नहीं, ये देखिए थोड़े देखिए गाइस किस तरह से ये बन रहा है। इसको मैंने स्लो आंच पे एक बारी थोड़ा सा मीडियम आंच पे करके, और ये ऊपर से हल्का हल्का तेल डाल दीजिए अच्छे से, ऐसे पूरी को करते हैं। पलटना जल्दी नहीं है, एक या दो मिनट लगेंगे एक तरफ से सिकने में इसको। तो इस तरह से आप ये दूसरा भी ऐसे सेक लीजिए। तो मैंने तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मीठा रखा, लाइट मीठा रखा, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मीठा कोई खाता है नहीं, पर जिनको ज़्यादा स्वीट टूथ है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी उनको। ये अभी आप रक्षाबंधन पे बनाइए या किसी भी ओकेजन पे बनाइए, कोई भी त्यौहार है, कोई बर्थडे है, आप सेलिब्रेट करिए। कुछ मीठा एक डिफरेंट बनाना है तो ये मालपुआ आप बना सकते हैं। ये देखिए सब बन के तैयार हो गए हैं, बारी बारी से मैंने सारे इतने बना लिए। अब मैं इनकी गार्निशिंग कर दूँगी। तो मेरे पास तो सिर्फ क्या कहते हैं बादाम ही थे, वो मैंने कूट के ऊपर रख दिए। और आप एक ध्यान रखना, थोड़ा जब गरम गरम हो ना ये पूड़ियाँ तभी रखना। तो मैंने तो इसको प्लेटिंग जैसे करी, उसके बाद ये हल्की सी थोड़ी ठंडी हो गई थी, एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चिपकी। अगर गरम जैसे रखते हो ना, जैसे मैंने निकाली थी दिखाया था आपको, तभी तुरंत रख देना तो एकदम चिपक भी जाएगी। और पिस्ता से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें गाइस तैयार हो गया मेरी तो ये फेस्टिवल सीज़न की ये पहली पेशकश, फर्स्ट क्लास, ये मेरे मालपुए बन के रेडी हो गए हैं और बहुत अच्छे बने थे गाइस। कांट बिलीव, फर्स्ट टाइम मैंने इतने अच्छे बनाए और सबको बहुत अच्छे लगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बने।